दोस्तों नमस्कार। आज है शुक्रवार 11 अक्टूबर सन 2024। लोहा बाजार में कमजोरी दर्ज हो रही है। मुंबई में एक बड़ी मंदी लोहा बाजार में देखी गई है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों देश का पहला चैनल है जो बेस मेटल, फेरस और नॉन फेरस मेटल पर लगातार अपडेट और विश्लेषण देता है। एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर और स्टील, इसके ऊपर अपडेट देने वाला देश का पहला चैनल। दोस्तों लोहा हमेशा से मिस्टीरियस यानी रहस्यमय मेटल रही है। इसमें सटीक अग्रिम अनुमान लगाना ये ग्लोबल लेवल पर हमेशा मुश्किल का काम रहा है, लेकिन भारतीय अनुसंधान पद्धति और फंडामेंटल एनालिसिस का जब संयुक्त प्रयास से विश्लेषण होता है तो उसकी एक्यूरेसी वर्ल्ड में सबसे अधिक होती है। दोस्तों आज भारतीय अनुसंधान पद्धति का डंका पूरे विश्व में फैल रहा है। स्टील मार्केट के में जापान, कोरिया, चाइना, यूएस से लगातार हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं और देश के कोने कोने से हमारे को पेड सब्सक्रिप्शंस मिल रहे हैं। आप भी यदि स्टील प्लांट चलाते हैं, स्टील को एज ए रॉ मटेरियल यूज करते हैं या फिर स्टॉकिस्ट हैं तो आप हमसे अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों आज 2 बजे तक लोहा बाजार के अंदर गिरावट के समाचार थे। मुंबई में 1000 रुपये तक की गिरावट देखी गई सबसे अधिक। इसके अलावा लुधियाना, मंडी गोविंदगढ़, भिवाड़ी, दुर्गा, आपके इंदौर, ये सभी जगह गिरावट के समाचार मिल रहे हैं। मंडी गोविंदगढ़ के अंदर 43,900 रुपये के भाव MS इनगट के 100 की गिरावट है। कोटद्वार के अंदर 300 की गिरावट 42,500, भिवारी 200 की गिरावट 42,500, दुर्गापुर 40,700, कोलकाता 41,200, लुधियाना 43,000 या 300 रुपये की गिरावट है, मुंबई 43,000, यहाँ पे 1,000 रुपये की बड़ी गिरावट दर्ज हो रही है। पुराना लोहा भी 100 रुपये से 300 रुपये तक की गिरावट दर्ज हो रही है। मंडी ओल्ड स्क्रैप 32,700, मेल्टिंग स्क्रैप मंडी 36,200, मंडी एंड कटिंग 37,100 की गिरावट, मंडी CRC स्क्रैप 100 की गिरावट 38,700, कोटद्वार में 300 की गिरावट के साथ 32,500, जयपुर 34,200, लुधियाना 37,400, यहाँ 300 की गिरावट है। दोस्तों याद रखना हमेशा तेजी आने के बाद तेजी, सब लोग तेजी की बात करते हैं, मंदी आने के बाद सब मंदी की बात करते हैं, और तेजी आने के बाद जो तेजी में खरीदा हुआ माल होता है, जब मंदी आती है तो फिर डीलर्स और स्टॉकिस्ट के पसीने छूटने लगते हैं और सेम चीज़ ऐसा ही दूसरी तरफ भी होता है। देश में पहला चैनल है जो आपको तेजी आने से पहले तेजी और फिर मंदी आने से पहले आपको मंदी के संकेत देता है। दोस्तों यदि आप स्टॉकिस्ट हैं लोहा के, स्टील के, कॉपर के, एल्युमिनियम के, तो हमारी विशेष रिसर्च रिपोर्ट आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, आज ही संपर्क कर लें। MS बुलेट के दामों के अंदर भी गिरावट देखी गई है, 100 रुपये से 1000 रुपये के बीच में। मंडी गोविंदगढ़ 100 की गिरावट, भिवारी 200 की गिरावट, दुर्गापुर 40,800, गोवा 43,000, हैदराबाद 42,500, इंदौर में 300 की गिरावट 43,000 बिलेट के भाव, जयपुर 42,800 100 की गिरावट, कोलकाता 41,900, लुधियाना 43,400 300 की गिरावट, मुंबई में 43,500 1,000 की गिरावट बिलेट में, रायगढ़ के अंदर 200 की गिरावट 40,500, रायपुर के अंदर 400 की गिरावट 40,900 और राउरकेला 40,500, मुजफ्फरनगर के अंदर 100 की गिरावट 43,300 के भाव रहे। दोस्तों आने वाले लगभग 20 से 25 दिन क्या सुपर तेजी स्टील में आने वाली है, हर गिरावट पे माल खरीदना चाहिए, या फिर ऐसी मंदी आएगी कि जो पिछले 15 से 20 दिन की जो कमाई है उससे और नीचे जाएगी? दोस्तों ये यश प्रश्न है, इसका जवाब हमने आपको हमेशा से पहले से दिया है, हमने सभी अपने सब्सक्राइबर्स को अपडेट कर दिया है। आप भी यदि चाहते हैं हमसे जुड़ना तो निश्चित रूप से आप संपर्क करें, फ़ोन नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। सिर्फ स्टॉकिस्ट, होलसेल स्टॉकिस्ट, मैन्युफैक्चरर, प्लांट होल्डर ही संपर्क करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।